दिस इज द पार्ट सेकंड, रूल्स ऑफ नाउन एंड फर्स्ट. इसमें जो होता है नंबर्स, नंबर्स के हम यहाँ पे रूल फाइंड आउट कर रहे हैं. ये पार्ट सेकंड है. इसमें पहले रूल नंबर 6, सम नाउन सीम्स प्लुरल बट यूज्ड एज सिंगुलर. जो कुछ नाउन्स होते हैं जो प्लुरल की तरह दिखते हैं लेकिन सिंगुलर की तरह यूज होते हैं, जैसे सिविक्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, न्यूज़, इनिंग्स, ईटीसी. जैसे फिजिक्स आर आर डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स यहाँ पे प्लुरल लग रहा है लेकिन यहाँ पे प्लुरल वर्ब नहीं आएगी क्योंकि ये सिंगुलर है. तो क्या आएगा, फिजिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट. तो हार लगाएंगे तो गलत है, इज आना चाहिए. सही है. नेक्स्ट है रूल 7, सम नाउन्स आर ओनली यूज एज प्लुरल. तो कुछ जो नाउन होते हैं वो प्लुरल की तरह ही यूज होते हैं, जैसे स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, टोंग्स, आल्ब्स, रिचेस, ट्राउजर्स, स्प्रिट्स, थैंक्स, ईटीसी. जैसे इसमें दिया है माई सीजर्स आर, सीजर्स आ गया तो आर वर्ब लग गई, आर वेरी शार्प. नेक्स्ट है रूल नंबर 8, सम डिजीजेज एज लाइक मम्स, मिजल्स एंड गेम्स एज लाइक जिमनास्टिक्स, विलियार्ड्स, ड्रॉट्स, ईटीसी आर ऑलवेज यूज एज सिंगुलर. मतलब ये जो गेम्स होते हैं या फिर जो डिजीजेज होंगी, बीमारियाँ, वो सब सिंगुलर की तरह ही यूज होंगी. जैसे मम्स इज एन इन्फेक्शन डिजीज, मम्स आ गया यहाँ तो ये इज आएगी सिंगुलर वर्ब. रूल नंबर 9, एब्स्ट्रैक्ट एंड मेटेरियल नाउन्स ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर, देयर प्लुरल फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट. अर्थात एब्स्ट्रैक्ट और मेटेरियल नाउन जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होंगे, प्लुरल फॉर्म इसकी एग्जिस्ट नहीं करती. जैसे जस्ट सिंपैथीज आर ऑलवेज विद द पुअर. सिंपैथीज, सिंपैथीज क्या हो गया, सिंपैथीज हो गया हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसके साथ आर ना आके सिंपैथीज इज आएगा. तो द माई सिंपैथीज इज ऑलवेज विद द पुअर. नेक्स्ट है इफ एनी नाउन वर्क्स एन एडजेक्टिव इन एनी कंपाउंड वर्ड देन इट यूज एट सिंगुलर. अगर कोई नाउन एक एडजेक्टिव की तरह कंपाउंड वर्ड की में वर्क कर रहा है तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म आएगी. जैसे अ 10 रुपी नोट, अ 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड, अ 4 माइल वॉक, अ 3 माइल रेस. तो इन सबके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज होगी. रूल नंबर 11, न्यूज़पेपर नेम एंड नेम ऑफ बुक्स एंड नेम ऑफ कंट्रीज, इट मे बी सीम लाइक प्लूरल बट ऑलवेज यूज एज सिंगुलर. तो जैसे न्यूज़पेपर के नाम, बुक्स के नाम, कंट्रीज के नाम, ये सब प्लूरल दिखते हैं लेकिन ये हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होते हैं. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्लूरल की तरह दिख रहा है ऐसा लग गया तो, लेकिन हमेशा सिंगुलर की तरह यूज होगा तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी. द हिंदुस्तान टाइम्स, सिंगुलर वर्ब यूज होगी. द अरेबियन नाइट्स, सिंगुलर वर्ब यूज होगी. नेक्स्ट है रूल नंबर 12, मीन्स पेंस वेजेस ईटीसी नाउन आर यूज इन प्लुरल और सिंगुलर बोथ अकॉर्डिंग टू देयर वर्ब. तो मीन्स होता है, पेंस है, वेजेस है, ये सब नाउन्स हैं जो प्लुरल और सिंगुलर में अकॉर्डिंग टू देयर वर्ब के यूज होंगे, मीन के यूज होंगे. जैसे सी अचीव्ड ग्रेटनेस बाय दिस मीन्स और दीज मीन्स. सही है. तो यहाँ सिंगुलर और प्लुरल की तरह यूज होंगे. नेक्स्ट है एवरी मीन्स हैज बीन ट्राइड, प्रत्येक मीन जो है वो ट्राइड किया गया, मतलब कोशिश की गई प्रत्येक के लिए. तो यहाँ पे ये एवरी लग गया तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आ गई. ग्रेट पेंस वर टेकन टू प्लीज द मैनेजर, ग्रेट पेंस वर, यहाँ पे प्लुरल वर्ब आ गई क्योंकि ग्रेट पेंस लग गया. मच पेंस, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लग गई. द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, द वेजेस ऑफ सिन हो गया तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लग गई. हिज वेजेस आर 100 रुपीज अ वीक, यहाँ पे प्लुरल वर्ब लग गई. तो ये अकॉर्डिंग टू देयर वर्ब्स के तरीके से यूज होते हैं सिंगुलर और प्लुरल में. नेक्स्ट है रूल नंबर 13, ब्रदर, ब्रदर का प्लुरल जो होता है वो ब्रदर्स होता है, इसे कहते हैं सम ऑफ द सेम पेरेंट्स. और इसका एक और प्लुरल होता है वो होता है ब्रिदरिन, वो होता है मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी. नेक्स्ट है क्लोथ, क्लोथ का प्लुरल जो होता है वो क्लोथ्स होता है, काइंड और पीसेज ऑफ क्लोथ. और इसका एक और होता है प्लुरल, वो होता है क्लोथ्स जिसे कहते हैं गारमेंट्स. नेक्स्ट है फिश, फिश का प्लुरल जो होता है फिश रहता है. इफ़ ऑल फिश टेकिंग कलेक्टिवली, प्लुरल जो होता है वैसे एक प्लुरल होता है उसका होता है फिशेज, जिसका मीन होता है इफ ऑल टेकिन सेपरेटली. तो ये ऐसे होते हैं शब्द जिनके प्लुरल दो होते हैं और दोनों का मीन अलग अलग होता है. नेक्स्ट है रूल नंबर 14, इन रेस्पेक्ट यूज रिगार्ड्स और कॉम्प्लीमेंट्स. मतलब जहाँ पे आपको आदर दिखाना होता है या रेस्पेक्ट दिखानी होती है वहाँ रिगार्ड्स और कॉम्प्लीमेंट्स यूज़ करते हैं. जैसे कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू योर फैमिली, तो यहाँ रिगार्ड्स यूज हुआ.
नेक्स्ट है वर्ड प्रतिज्ञा या वचन के अर्थ में यूज एज सिंगुलर। ओके कैसे? ही डिड नॉट कीप हिज वर्ड, मतलब उसने अपना वचन नहीं रखा, तो वर्ड क्या हो गया यहाँ पर, प्रतिज्ञा या वचन के रूप में हो गया, तो सिंगुलर के रूप में यूज होगा। सही है। अब अगर वर्ड शब्द के रूप में यूज होता है जैसे, तो उसमें हमेशा प्लूरल आता है, जैसे देयर आर 7 वर्ड्स इन दिस सेंटेंस, तो यहाँ पे वर्ड जो हो गया वो प्लूरल हो गया, क्योंकि यहाँ वर्ड जो यूज हो रहा है वो शब्द के रूप में प्रयोग हो रहा है। आगे है सम नाउंस विच नीड टू रिमेंबर इन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ केसेस, मतलब कुछ ऐसे नाउन दिए गए हैं आप जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हमें ध्यान रखने के लिए चाहिए, जैसे टूथ का टीथ, फूट का फीट, चीफ का चीप्स, पासर बाय पासर्स बाय, एक्सेस एक्सीज, ई और आई का अंतर हो गया यहाँ पे, ये आई है यहाँ ई है, गूस गीस, यहाँ पे भी ओ और ई में हो गया, लुकर ऑन लुकर्स ऑन, स्टेप डॉटर स्टेप डॉटर्स, मैन ऑफ वार मीन ऑफ वार, यहाँ पे ए और ई का अंतर हो गया, कमांडर इन चीफ कमांडर्स इन चीफ, माउस माइस, चाइल्ड चिल्ड्रन, हुफ हुप्स, ऑक्स ऑक्सिन, लाउस लाइस, एम ए एम एस, ब्रदर इन लॉ ब्रदर्स इन लॉ, सन इन लॉ सन्स इन लॉ, इंस्पेक्टर जनरल इंस्पेक्टर जनरल। सही है, यहाँ पे एस लग गया, इंस्पेक्टर्स के आगे एस लग जाएगा। इन आवर नेक्स्ट वीडियो रीड अबाउट रूल्स ऑफ नाउंस एंड दैट इज इन पजेसिव केसेस।